सो गाइस हम लोग आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियोस में हम आपको एक लेटेस्ट डिज़ाइन दिखाने वाले हैं जो ऑल टाइम ट्रेंडिंग रहा है। लेटेस्ट तो नहीं कह सकते हैं बट ऑल टाइम ट्रेंडिंग है, काफ़ी ज़्यादा पसंद करा जाता है। तो अभी हम लोग स्लीव्स तो उसका वर्क स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, और काफ़ी आप लोगों ने देखा होगा बट डिफरेंट डिफरेंट कलर पर देखने का कुछ ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि डिफरेंट लुक दिखते हैं, डिफरेंट कलर होते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। इसमें क्रिस्टल यूज़ करने वाले हैं और 3 नंबर मोती भी यूज़ करने वाले हैं गोल्ड वाले, और ब्लू कलर के पान यूज़ करने वाले हैं। इसमें ब्लू एंड गोल्ड कॉम्बिनेशन होगा और इसका बैक नेक पॉट होने वाला है। फ्रंट आल्सो राउंड ही होता है, वन साइड वर्क होता है। तो और इसका मेजरमेंट बैक 10 इंचेस नेक होगा। ब्लाउज हाइट आई थॉट 13.5 होगी और स्लीव्स 10x10 एंड 15 आर्म राउंड होगा। फ्रंट नेक 7.5 है। अभी स्लीव्स में वर्क स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट शुगर बीट्स लाइन है, देन 3 नंबर्स मोती है, देन फिर इस हम लोग एक और शुगर बीट्स की लाइन स्टिच कर रहे हैं। तो अभी आगे जो काम होता है दिखाते हैं आपको। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि नई वीडियोज़ आने वाली हैं जो आप लोगों को दिख जाए। ओके सो गाइस स्लीव्स पे काम थोड़ा बॉर्डर हो जाने के बाद में हम लोग आ चुके हैं बैक में, और बैक में देखो ऑलरेडी पॉट नेक ड्रॉइंग हो चुकी है और उसका लास्ट लाइन भी स्टिच हो चुका है। तो नीचे अभी हम लोग गोल्ड कसब से लीफ सिलना स्टार्ट कर रहे हैं, और एक गोल्ड कसब है। इसमें मल्टी कलर रेशम भी यूज़ होगा, जो ब्लू कलर स्टोन्स हैं उसी कलर का रेशम भी यूज़ होगा, वो बाद में होगा। अभी तो फिलहाल गोल्ड कलर का कसब इस्तेमाल हो रहा है। और इसके हाफ नेक में कुछ अलग पैटर्न रहेगा यहाँ तक ऊपर तक, और उसके बाद में फिर ड्रॉप लाइंस होंगी जो दिखाएंगे हम आपको। अब इसके साइड में शुगर बीट्स स्टिचिंग हो रहा है, जो रेशम गोल्ड कसब की हमने एक जो लीफ सीरीज के साइड में शुगर बीट्स की लाइन स्टिच हो रही है। और ये सब पूरा मटेरियल क्रिस्टल है, कोई भी कलर पे आपको अवेलेबल हो जाएगा ब्लाउज। ओके मटेरियल यही यूज़ होता है क्योंकि ये अच्छा रहता है और लिटिल बिट एक्सपेंसिव होता है फॉर अदर मटेरियल्स। सो किसी को भी चाहिए व्हाट्सएप पर DM कर सकते हैं ऑर्डर देने के लिए कोई भी कलर, और ब्लाउज़ आपके बॉडी मेजरमेंट के साइज से बनेगा। तो अभी हम आगे आपको दूसरा काम दिखाते हैं। ओके सो गाइस अभी इस कुंदन स्टिकिंग करने के बाद में उसके साइड में गोल्ड स्प्रिंग स्टिचिंग स्टार्ट हो चुका है। ओके और ब्लू कलर का इस पर कॉम्बिनेशन यूज़ करने वाले हैं। सेंटर में गोल्ड कलर का एक लीफ सिला हुआ है, उसके साइड में इस तरह के गोल्ड कलर के ब्लू कलर के कुंदन्स लगा के उनके साइड में गोल्ड स्प्रिंग स्टिचिंग करी गई है 7 नंबर निडिल के साथ। और नीचे जो थ्रेड है वो नॉर्मल गोल्ड है, स्पेक्ट्रा है, अच्छी कंपनी, मतलब बारीक थ्रेड होता है, स्टिचिंग में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। और ये पॉट नेक है, 10x10 है, 10 इंचेस डीप है इसका, और ऊपर जो है 6.5 ऑलमोस्ट 7 इंचेस होता है। ये बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से होता है, अगर साइज़ बड़ा है तो ऊपर ज़्यादा रखना पड़ेगा, अदरवाइज 7 इनफ है, और डीप 10 10.5 अकॉर्डिंग टू योर नीड जैसा आपको चाहिए। और इसके अभी इसके साइड में भी कुछ सिला जाएगा कि बस मोती सिले जाएंगे इसके साइड में गोल्ड कलर वाले, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी नीचे का जो मेन काम है वो आपको दिखाएंगे, काफ़ी यूनिक है। अगर किसी को भी ऑर्डर करना व्हाट्सएप एंड DM कर सकते हो कभी भी। ओके तो गाइस अभी दूसरा काम स्टार्ट हो चुका है। शुगर बीट्स और मोती से एक लाइन स्टिच करी जा रही है 3x3 की, और जो कुंदन्स हैं उसके साइड में भी शुगर बीट से स्टिचिंग करी जा रही है यहाँ पर भी। अरे ये देख सकते हैं इस तरह से, पहले एक मोती रख के राउंड शुगर बीट्स का एक राउंड स्टिच करा गया, देन फिर पान लगाया गया ब्लू कलर का, उसके साइड में भी शुगर बीट्स और मोती एक ऊपर लगा के इस तरह से कवर करा जा रहा है। और फिर जो राउंड मोती और शुगर बीट्स का रोल है वहाँ पर 3 पॉइंट वाला स्टोन लाइन बनाया जा रहा है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से पूरे में बनाया जाएगा, और यहाँ से जो मेन काम स्टार्ट होगा वो हम आपको दिखाएंगे। अभी 3 लाइंस मोती की होंगी, फिर उसके बाद में भी काफ़ी काम है तो हम आपको दिखाते हैं। ओके सो गाइज अभी इसका मेन वर्क स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप। इससे ना इसका फाइनल लुक जज होता है, इसके बाद ही पता चलता है कि ये ब्लाउज़ कैसा दिख रहा है।
अभी देखो ये लाइंस होती हैं, एक लाइंस में मैक्सिमम 12 to 13 बीड्स हैं, ऊपर एक मोती है, 3 नंबर्स मोती है ऊपर, और 12 to 13 बीड्स है एक लाइन में। तो कुछ इस तरह का लुक लग रहा है, मगर जब बनने के बाद, अभी आप ऊपर से इसका लुक देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बनने के बाद जब आप देखेंगे बहुत ज़्यादा यूनिक लगता है, और ये इस कलर पे है तो और अच्छा लगता है। जैसे ब्लू है, पिंक है, रेड है, और पर्पल कलर है, ग्रीन है, पैरेट ग्रीन, तो वो कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी वन साइडेड है ये, और ये यहाँ तक ही स्टिचिंग होता है, ये वो दिखाएंगे हम आपको, इस तरह से पूरा स्टिच करना है। और ये जो सिलने के टाइम इसको मैनेज करना पड़ता है, बिकॉज़ अप एंड डाउन ना हो ऊपर के मोती, नहीं तो फिर लुक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान रखना पड़ता है। बाकी सब ज़बरदस्त डिज़ाइन है यार। किसी को भी चाहिए व्हाट्सएप एंड DM करिए। ओके, सो गाइस, अभी जो स्लीव्स में बूटा था, जो उस पर काम स्टार्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट हो ही रहा है। इधर जैसे कि देख सकते हैं आप, इसमें जितना काम हो चुका है अभी, जो मल्टी कलर फ्लावर सिलने थे वो सिल चुके हैं, जो गोल्ड कसब सिलना था वो भी सिला जा चुका है, और चल रहा है अभी जो नीचे का मेन काम है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये तो हम दिखा चुके थे आपको नेक में किस तरह से बनाते हैं, और ये फ्लावर भी सेम एज इट इज़, बोथ सेम सेम तरीके से ही बनते हैं। और ये कुंदन से स्टिकिंग के बाद में इसे कवर अप करा गया है शुगर बीट्स के साथ, तो ये तो काफ़ी ईजी कोई भी बना सकता है। आपको कुंदन स्टिकिंग करना है, उसके बाद में साइड में इस तरह से सिलना है, और ये थोड़े मुश्किल होते हैं, इनको बनाने के लिए थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। और इन सब लर्न करने की चीज़ें जो हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, इक्विपमेंट्स पूरे मिल जाते हैं आपको, आरी बिगिनर जंबो किट जो है उसमें सब अवेलेबल है आपको, ऑलमोस्ट 40 आइटम्स मिलते हैं आपको उसमें। तो किसी को भी चाहिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर 7565906171। और अभी स्लीव्स पे ही काम चल रहा है, और बैक तो ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी बाद में दिखाऊंगा आपको। सो गाइज, अभी स्लीव्स में बूटा जो है उसके साइड में जो लीफ सिली हुई हैं उन पे वर्क स्टार्ट हो चुका है, और मैक्सिमम 1.5 आवर्स का बचा है काम इसमें कंप्लीट होने में, तो हम आपको फाइनल लुक भी इसका दिखाएंगे। देखिएगा कितना शानदार लग रहा है। अगर किसी को भी ऑर्डर करना, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं अच्छे प्राइस में, और कोई भी कलर कॉम्बिनेशन के साथ में आप बुक कर सकते हैं, इजीली आपके घर पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो जल्दी करें, अपना ऑर्डर बुक कर लें, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए सीखने के बारे में, क्लासेस तो अभी स्टार्ट नहीं है, बट सीखने के हर एक इक्विपमेंट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और उनके थ्रू आप वीडियोस देख के भी सीख सकते हैं, ठीक है। और 3 नंबर मोती है अपर साइड, आई थिंक 2.5 नंबर है, 2.5, एंड क्रिस्टल शुगर बीट्स की लाइन, तो कुछ इस तरह का लुक लग रहा है इसका, ज़बरदस्त दिख रहा है मगर। तो गाइस, अभी ब्लाउज हो चुका है फाइनल, तो देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और थोड़ा लाइटिंग की वजह से शायद आपको कलर थोड़ा दूसरा दिख रहा होगा, बट ये रेड मिर्च कलर है, और पार्ट नेक है बैक में, देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। वर्क की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही मतलब साफ़ सुथरी है, क्वालिटी तो 1 नंबर है, स्टिचिंग क्वालिटी बहुत टॉप है, और मटेरियल आल्सो टॉप क्वालिटी ही यूज़ होता है हमारे पास, क्रिस्टल्स है पूरा, जो कि बीड्स भी शाइन कर रही है आप देख सकते हैं। तो अगर किसी को भी ऑर्डर करना है किसी भी कलर पर, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, तो ये बैक हो गया, ठीक है, और इधर आ जाते हैं स्लीव्स पे, तो ये है स्लीव्स देखिए, और ये जो मार्किंग निशाने चले जाते कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये स्लीव्स का लुक है कुछ ऐसा, बनने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और इधर आ जाते हैं तो सेकंड वाला स्लीव्स है। ओके, और ये है इसका फ्रंट नेक, फ्रंट वन साइड ही वर्क होता है आपको पता होगा ऑलरेडी। ओके, तो देखो खाली क्वालिटी देखो वर्क की, कुछ इस तरह का इसका लुक है, और किसी को भी चाहिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, और ये वीडियोस कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। ओके, तो मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में, तब तक ख्याल रखें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।